फाइनली दोस्त मेरे पास आ चुका है सैमसंग की तरफ से एक सस्ता 5G फोन जिसका नाम है सैमसंग गैलेक्सी M14 5G। नाम तो बड़ा है लेकिन कैसा 5G फोन है वो तो बॉक्स ओपन करने के बाद पता चलेगा। इसका बॉक्स कुछ ऐसे ओपन होता है। ओपन करने के बाद पहला मिलेगा एक व्हाइट कलर का बॉक्स जिसके पीछे की तरफ है सिम रिजेक्टर पिन, इसके अंदर है Type-C to Type-C का केबल और यूजर मैनुअल गाइड बुक्स है। ये तो है स्मार्टफोन, तो ये तो है इसका सारी बॉक्स कंटेंट। तो दोस्त रिव्यू शुरुआत करता हूँ इसके डिस्प्ले से। देखो यार डिस्प्ले का साइज तो बड़ा रखा है, 6.6 इंच PLS LCD पैनल के साथ आता है, लेकिन डिस्प्ले का बजल और नीचे जो चेन इसमें बड़ा मिल जाएगा। पहले से जो फोन है वाटर ड्रॉप नॉच के साथ आ रहा है, तो यहाँ पर आपको थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज करना होगा। 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, जब स्क्रॉल करता हूँ मुझे जिटर वगैरह महसूस नहीं हुआ है, लेकिन इसका ब्राइटनेस मुझे थोड़ा सा कमी लगा है। इंडोर पर आउटडोर पर कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, लेकिन डायरेक्ट सनलाइट में ब्राइटनेस का कमी आपको महसूस होगा। अब इस फोन से यूट्यूब पर फुल HD में 60fps पर वीडियो को देख पाओगे, इससे ऊपर भाई वीडियो सपोर्ट नहीं करता है। वीडियो का क्वालिटी कैसे आ रहा है आप इधर देख सकते हो यार, फुल HD रेजोल्यूशन के हिसाब से यहाँ पर जो क्वालिटी आ रहा है वो जबरदस्त है। इसमें कलर कंट्रास्ट डिटेलिंग बहुत ही अच्छा दिखाई देगा। इस फोन में है सैमसंग का खुद का प्रोसेसर Exynos 1330 चिपसेट जो कि 5 नैनोमीटर पर बना हुआ है। अंतुदो स्कोर बहुत ही अच्छा निकल कर आया है, उसके हिसाब से ऐप ओपनिंग और ऐप क्लोज में एनिमेशन जो है स्मूथली काम करता है और ऐप जो है जल्दी जल्दी ओपन हो जाता है। लेकिन यार जब बारी आता है गेम प्ले करने का, तो इस फोन में मैंने BGMI गेम को रन किया था, अब BGMI गेम 30fps में खेल पाओगे। देखो यार जायरो का परफॉर्मेंस मुझे ओके लगा है, लेकिन गेम प्ले मुझे इस फोन में बहुत ही अच्छा मिला है। यहाँ पर स्मूथनेस बहुत ही अच्छा मिलता है, मुझे जिटर वगैरह नहीं दिखाई दिया है। हाँ दोस्त गेम खेलने के टाइम फोन हल्का सा गर्म होता है, लेकिन जब मैंने CPU थॉटलिंग को रन किया था, अब यहाँ पर देख सकते हो इसके CPU थॉटलिंग में हर कलर की आपको ग्राफ देखने को मिल जाएगा। मेरे पास है इसका बेस वेरिएंट 4GB 128GB वेरिएंट LPDDR4X RAM के साथ आता है और इसमें EOS 2.2 का स्टोरेज टैब है, उसके हिसाब से इसमें RAM मैनेजमेंट बहुत ही अच्छा सा मिल जाएगा। क्योंकि दोस्तों अगर आप हल्का फुल्का गेम खेलते हो तो ये जो फोन है आपके लिए मस्त रहेगा, अगर आप नॉर्मल यूज करते हो तो डे टू लाइफ यूज में ये जो फोन हैंग वगैरह नहीं करेगा। लेकिन आपको यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है ये फोन आता है पीछे की तरफ ट्रिपल कैमरा सेटअप के साथ। प्राइमरी जो सेंसर रखा है इसमें 50 मेगापिक्सल 2:2 करके दो सेंसर है, इसमें अल्ट्रावाइड सेंसर नहीं मिलेगा और इसकी बैक कैमरा से आप फुल HD में 30fps वीडियो को रिकॉर्ड कर पाओगे और वीडियो में अब आप 2x तक जूम कर सकते हो। पहला आप लोग वीडियो सैंपल देख लीजिए। वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है फुल HD 30fps में, तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो फोन है लाइटिंग पोजीशन को और कलर कंट्रास्ट को बहुत ही अच्छी तरीके से मैनेज कर रहा है। यहाँ पर ऑटो फोकस भी जबरदस्त मिल जाएगा और साउंड भी आप सुन सकते हो जो फोन है कैसे साउंड को रिकॉर्ड करता है। कुछ फोटो सैंपल के ऊपर भी आप नजर डालिए, देखो यार इसमें जो कलर कंट्रास्ट और डिटेलिंग जो निकल कर आ रहा है वो मुझे बहुत ज्यादा इंप्रेस किया है सैमसंग वालों ने। स्पेशली फॉर ये जो फोन है स्काई का कलर को बहुत ही अच्छी तरीके से ऑप्टिमाइज करता है, जो देखने में काफी प्यारा सा लगता है। यहाँ पर खत्म नहीं हुआ है, स्किन टोन का कलर को जो फोन है बहुत ही अच्छी तरीके से मैनेज करता है। ऐसे भी इसमें है 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा जिसमें आप फुल HD में 30fps वीडियो को रिकॉर्ड कर पाओगे। यहाँ पर आप देख लीजिए स्किन टोन का कलर को और पीछे की तरफ जो डायनेमिक रेंज कितने अच्छी तरीके से वीडियो में मैनेज कर रहा है। फोटो सैंपल भी देख सकते हो यार स्किन टोन को बहुत ही अच्छी तरीके से मैनेज करता है। कुछ फोटो जूम करके दिखा रहा हूँ, आप यहाँ पर देख सकते हो डिटेलिंग इसमें मस्त मिल जाएगा, डिटेलिंग में यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। पोर्ट्रेट मोड में भी मैंने फोटो खींचा था, बैकग्राउंड को बहुत ही अच्छी तरीके से ब्लर कर लेता है और HD डिटेक्शन भी अच्छा मिल जाएगा। इस फोन का सारा रॉ फोटो सैंपल मैंने वेबसाइट में अपलोड कर दिया, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, आप जाकर सारे फोटो को और भी डिटेल में देख पाओगे, जूम वगैरह करके कितना MB का फोटो होता है उस सब कुछ आपको पता चल जाएगा। फोन पीछे से देखने में काफी प्यारा सा लगता है, लेकिन फोन मोटा और फोन भारी भी है भाई, हाथों में तो कंफर्टेबल फील नहीं देता है। हाँ आप यूज करोगे तो आपको आदत पड़ जाएगा, लेकिन भाई इसकी फ्रेम जो है पॉलीकार्बोनेट का बना हुआ है, पीछे की तरफ भी पॉलीकार्बोनेट है जिसमें मैट फिनिशिंग है। क्रैशेस तो नहीं आता है, फिंगरप्रिंट का निशान आता है, लेकिन कलर की वजह से इतना विजिबल भी नहीं होता है। इसमें ट्रिपल कैमरा हाउसिंग मिलता है, कैमरा का बम भी इतना ज्यादा बाहर नहीं हुआ है। साइड माउंट फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ आता है जो हर बार एक्यूरेट और फास्ट काम करता है। फ्लैट डिस्प्ले है और इसके डिस्प्ले में कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन भी है। हाल फिलहाल में फोन एंड्रॉइड 13 पर रन हो रहा है और इसमें One UI 5.1 कोर वर्जन मिल जाएगा, लेकिन इसमें प्री इंस्टॉल ऐप मिल जाएगा जिसको आपको मैनुअली अनइंस्टॉल करना होगा। हाँ भाई सैमसंग जो स्मार्ट तरीके से एड्स को शो करता है जिसको आप मैनुअली यहाँ पर डिसेबल वगैरह कर सकते हो, लेकिन इसमें सिक्योर फोल्डर मिल जाएगा। ये जो फोन है नॉक्स सिक्योरिटी के साथ आता है, ये छोड़कर इसमें बहुत सारी शॉर्टकट भी मिल जाएगा, आप ऐप को क्लोन भी कर सकते हो। अगर आप इस फोन को प्रो यूजर की तरह यूज करना चाहते हो तो इसका टिप्स एंड ट्रिक्स वीडियो ऑलरेडी मेरे सेकंड चैनल में अपलोड हो चुका है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर और एंड स्क्रीन पर भी मिल जाएगा। ये जो फोन है एक 5G फोन है, इसमें 13 वाट्स 5G मिल जाएगा।
उसके हिसाब से यार नेटवर्क कनेक्टिविटी के मामले में जो फोन है मस्त हो जाता है। डिफॉल्ट यहाँ पर सैमसंग की डायलर के साथ आता है, कॉल रिकॉर्डिंग का अनाउंसमेंट सुनाई नहीं देगा और इसमें ड्यूल माइक भी मिल जाता है, नॉइस को बहुत ही अच्छी तरीके से मैनेज कर लेता है। इसमें डेडिकेटेड सिम स्लॉट मिलता है, आप एसडी कार्ड को यूज कर सकते हो आराम से, सारे अवेलेबल विद इन लिमिट भी है, हैप्टिक फीडबैक मस्त मिल जाता है। लेकिन ये फोन सिंगल स्पीकर के साथ आता है, लाउडनेस तो अच्छा मिल जाता है लेकिन फुल वाले में म्यूजिक सुनोगे फोन हल्का सा वाइब्रेट भी करता है। 6000 mAh की बैटरी है, इनबॉक्स चार्जर के साथ नहीं आता है। ये जो फोन है 25W का एडाप्टर को सपोर्ट करता है, बैटरी बैकअप अच्छा मिल जाएगा, अगर आप एक बार चार्ज कर लोगे तो 1.5 दिन आराम से निकल जाएगा जितना मर्जी यूज कर लो। चलिए दोस्तों आप सीधी सी बात करते हैं ये फोन कैसा है, क्या इसको लेना चाहिए कि नहीं। देखो यार फोन की प्राइस की तरफ और स्पेसिफिकेशन की तरफ देखा जाए, ये जो फोन है उस यूजर को टारगेट करता है जो सारे यूजर नॉर्मल यूज करता है, जिसके लिए बैटरी बैकअप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसी के साथ जिसको चाहिए अच्छा कैमरा क्वालिटी फोन, जो सारे यूजर लॉन्ग टाइम के लिए फोन को यूज करना चाहता है, तो उसके लिए सैमसंग गैलेक्सी M14 5G ये जो फोन है मस्त रहेगा भाई। मुझे ये फोन बहुत ही अच्छा लगा है, प्राइस पॉइंट के हिसाब से अच्छा स्पेसिफिकेशन के साथ आ रहा है, तो आप जरूर इस फोन की तरफ देख सकते हो। ऐसे भी आपका क्या ओपिनियन है इस फोन के बारे में आप मुझे कमेंट में जरूर बता सकते हो। मुझे पूरी उम्मीद है आपका डाउट मैंने क्लियर कर दिया। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो एक लाइक कर दीजिए, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। अगर आपने अभी तक इस सैमसंग गैलेक्सी M14 का टिप्स एंड ट्रिक्स वीडियो नहीं देखा तो आप पर क्लिक करके वीडियो को देख सकते हो।